नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। तो आप लोग देख रहे हैं गोल्डन हैदराबाद, इस पे गोल्डन न्यूज। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2023 में है हैदराबाद तेलंगाना में जो है इलेक्शंस का मौसम चल रहा, एकदम सरम गरम मामलेदार आखिरी है मसला। तो आपको जो है मैं लाया शहर हैदराबाद के पुराने शहर में जो है यहाँ पे हमारे साथ कुछ हमारे भाई मौजूद है, जिससे हम मालूम करेंगे कि उन लोगों के नजर में कौन अच्छा लीडर है और कौन अच्छा पॉलिटिशियन है और उन लोग किसके वोट देना चाह रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ मौजूद है नन्हे पिन्ने बच्चे, इन लोगों से भी क्या है, इन भी 18 प्लस नहीं है तो वोट नहीं दे सकते। तो हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से जानदार, कि भाई आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? मैं आपकी किसको वोट नहीं दे रहा हूँ इस साल, देखो भाई। अरे झूठ लड़ ले रहे, गालियां दे ले रहे, गिरगिरियां गिर, दिमाग खराब हो रहा देख देख के। अरे भाई, इलेक्शन बोले तो लड़ना लड़ना, आजू बाजू एक दूसरे को बोल लेने का आ रहा था जीतने के वास्ते। तुम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं बिग बॉस की बात कर रहा हूँ। अरे लाहौल वाला अखवत इल्ला बिल्ला, कैसे इंसान है आपकी, कौन सी दुनिया में मौजूद है? इलेक्शन है बड़े भाई, अबे भाई। अरे 30 नवंबर को इलेक्शन है, आप किधर है आप? दुबई, वालेकुम। जरा देखो नए पार्टियां कौन से, एक छटा ढूंढो, ऑफिस वाले पैसे बनाना है, आ रहा हूँ मैं अभी। अरे ऐसे अगर हमारे नागरिक रहे तो क्या होगा सियासत का, व्हाट इज दिस? आप लोग जो है सो आपको जो है सो आपका हक है वोट डालना, वोट डालना है। नन्हे बच्चे तू कहाँ घुस रहा है यहाँ पे? जी, ग्रीन टी शर्ट माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज, तो आप आपकी क्या डिमांड है हुकूमत से, आप और किसको वोट देंगे? भाई हुकूमत ये बना रही वो बना रही सब बन रहा जी, हुकूमत के शादी खाने होना भाई, हमारे को दावत करे तो दुनिया के महंगे शादी खाने, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बनो तो कहाँ से देंगे भाई जी। अब गवर्नमेंट का कमेटियाल शादी खाना हो ना, उसमें क्या हम ना दावत कर सकते, गरीब लोग आए, गरीब बच्चियां आए, शादियों के वास्ते परेशान हालात है सबके, कम से कम में खर्चा निकल जाता। बना रहे तो उतने को एसी भी लगा देते, मजा आ जाता जरा। हाँ, एसी भी लगाते, आपको जो है सो खाना भी प्रोवाइड कर देते, फिर बच्ची भी ढूंढ के देते। अरे यारो क्या है, वोट किसको देते बोले तो शादी खाना बना के। व्हाट इज दिस? हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम बड़े हजरत, कैसे आप जी से? तो आपके बारे में क्या ख्याल है कि आप किसको वोट देंगे? जी हम इंशाल्लाह 18 साल की उम्र से मंजिश को वोट दिए हैं जी, अभी भी मंजिश की देन कह रहा था, बस हम तो मंजिश को वोट देंगे माशाल्लाह। ऐसा क्लियर देखो क्या है, अपने वोटर को जो है सो उनको क्लियरिटी रहना कि नहीं किसको वोट देंगे। जैसा कि चिच्चा हजरत को था, तो हमारे साथ एक मौजूद है माशाल्लाह भाई, ढूंढ रहे हैं भाई, अभी रात नहीं भी ढूंढ रहे हैं आप, कोई खास वजह? लाइट। तो आप किसको वोट देंगे? जो पैसे दिए 5,000 का एक वोट है जी, 5 जने वोट डालते, 25,000 का हिसाब जो देंगे उसको वोट दूंगा जी जी जी। तो उसके बाद नहीं, एक चप्पी पिला दिए तो फिर दे दे वोट। तो आप खाली चप्पी के वो है बोलो, आप जैसे बेशरम बेहया लोगों की वजह से ये वोटिंग सिस्टम खराब हो रहा, एक चप्पी लेके आप जो है आपका हक बेच दे रहे। आपका वोट का पावर आपको नहीं मालूम, एक अच्छे नागरिक होते हो अगर आप है तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन को चुनना। आपको मालूम है अच्छा पॉलिटिशियन कैसा रहता? नहीं, क्योंकि आप चपटी है। देखिए, आप लोगों से गुजारिश है, ये शराब पैसा वैसा लेके वोट मत दीजिए आप, आप हक और ईमानदार पॉलिटिशियन को वोट दीजिए आप, जो आपका और हमारे समाज का और नागरिकों का अच्छा सोचने वाला वैसे पॉलिटिशियन को दीजिए। तो माशाल्लाह से एक शरीफ इंसान हमारे साथ मौजूद है, जरा तशरीफ लाइए जी जी जी। अच्छा माशाल्लाह, आप बहुत गौर से दिख रहे हैं, आप आइए, आपको बहुत जल्दी दिख रही बोलने की जी। आपका इसमें ग्राम? शादा माशाल्लाह, आप इंडिया के नहीं दिख रहे मेरे को? जी जी, मैं बाहर का हूँ जी जी जी। तो आपकी क्या डिमांड है हुकूमत से? मेरी डिमांड तो ऐसा है, मुझे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा गोइंग करेंगे तो मैं वोट डालूंगा जी जी जी। तो आप ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में रहते हो, गोइंग करते, वोट कैसा डालते हैं आप? जी यहाँ पर आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ जी जी जी। तो आप वोट किसको देंगे? कमिंग गोइंग चलते रहता मुझे जी जी, कमिंग गोइंग। तो वोट किसको डालते हैं आप? जी मेरे को कौन भी जाना चाह रहा हूँ उनको वोट डालूंगा मैं जी जी। आप भी बिकाऊ है आप? जी मैं बिकाऊ नहीं, मेरा भी ख्वाहिश आप लोग क्या मैं वोटिंग के लिए करूँ तो मुझे भी करना पड़ेगा ना? पड़ेगा बिल्कुल, पड़ेगा बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी जी। ऐसे हमारे लोग हैं तो हमारे पॉलिटिशियन कैसा अच्छा नागरिक कैसा चुन कहेंगे, पैसा खिला के जीत जाते ना, ये गलत बात। हक और ईमानदार पे काम करने वालों का वोट देना माशाल्लाह, शरीफ इंसान माशाल्लाह से। आपका इसमें ग्राम? मेरा नाम बिलाल मेमन है जी जी। ए बाबू राव, व्हाट इज दिस? तुम इलेक्शन में भी नहीं दे सकते, तुम खैर सीखो, अच्छे इलेक्शन अच्छे वोटर कैसा बनना है सीखो आप जी। तो आपका नाम फिर से बोलिए जी। मेरा नाम बिलाल मेमन है जी जी। तो हमारे बिलाल मेमन साहब, आप क्या करते हैं जी? मेरा कारोबार है संगमती कंपनी बोल के, एक बिजनेसमैन हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपसे हमारे को अच्छे जवाब की उम्मीद है, अभी तक हमारे जितने भाया मिले उनको जो है सो आइडिया नहीं है कि वोट का पावर क्या है, वोट किसको देना है, उनके अपने अपने पर्सनल डिमांड्स जो कि गलत है।
ठीक है, तो आप बताइए आपकी नजर में एक लीडर क्या है। देखो भाई, मैं तो वोट सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देना चाह रहा हूँ। भाई आप इस दौर की बात करिए, आप सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी साहब का 200 साल पुरानी बात है वो, आप ये दौर में आप किसको देना चाह रहे हैं वो बोलिए। आप मेरे को यह बोलिए कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो है सो काबिल या फिर उनकी जैसी क्या बोल सकते हैं आप सलाहियत रखने वाला कौन सा पॉलिटिशियन है, आप बोल सकते हैं आप ऐसा कोई है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का जैसी सोच रखने वाला, उनकी जैसी फिकर करने वाला, उनका जैसा लीडर, मैं वैसे शख्स को वोट देना चाह रहा हूँ। और मेरी नजर में एक शख्स है जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जैसी पॉलिटिक्स करने वाला, मुसलमानों को देखने वाला, मुसलमान का खैर खा, मुसलमानों का हमदर्द, मेरी नजर में एक शख्स है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो शख्स कौन है? अरे हम बताएं, मजलिस से पूछो जी। आपकी तारीफ जी, हम कोई भी हो, आपका सवाल का जवाब हम देंगे, अगर नहीं देंगे तो हमको वापस पूछो, हम फिर बताएंगे जी। तो हमारा सवाल है कि एक लीडर क्या है। अरे एक लीडर ऐसा हो, लीडर वो है जो मजलूमों को लेके चले, लीडर वो है जो अवाम को लेके चले, लीडर वो है जो मजलूमों की परेशानी को समझे, लीडर वो है जो अवाम की तकलीफ को समझे, लीडर वो है जो मजलूमों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। अरे वो नहीं जो आते जाते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते, फिर नहीं आते। चाय 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 चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, अरे कब तक? हमको पूछो, हम बताएंगे क्या अच्छा लीडर कौन है, कौन हो सकता है। जी जी बिल्कुल, आप जज्बाती मत रहिए, आप ये बोलिए कि मैं आपको अच्छे लीडर की खासियत तो नहीं पूछा था, मगर आप बोले बहुत अच्छी बात है। आप मेरे को ये बताइए कि वो इंसान कौन है जिसकी इतनी तारीफ करें आप। अरे मैं बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा, आपको भी बताऊंगा, आपको भी बताऊंगा। वो हमारे भी भाई है, आपके भी भाई है, इनके भी भाई है, हैदराबाद के भाई है, हिंदुस्तान के भाई है। वो भाई कोई और नहीं, जनाब अली असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे भाई है। हम उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे, उनको जमीरियत की बात करेंगे। जज्बाती हो गया मैं एक जर्नलिस्ट। अरे ऐसे जर्नलिस्ट को हमारे असदुद्दीन साहब पानी पिला चुके हैं। हमारी बात सुनिए, मैं कुछ बोलने वाला हूँ, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मगर क्या है मैं ऐसा खुला मीडिया में जैसे कौन सी पार्टी को खुला सपोर्ट नहीं कर सकता। मगर अरे हम करेंगे, हैदराबाद की आवाज करेगी, हैदराबाद की पब्लिक करेगी, बच्चे करेंगे, बूढ़े करेंगे, सब करेंगे, इंशाल्लाह ताला मजलिस करेंगे। नहीं मैं भी यही बोल रहा था, मगर मैं अब खुलेआम जो है सो मजलिस को सपोर्ट करता हूं। ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा जी, जी, मैं कह देता हूँ, ऊंची आवाज में बात नहीं, जितना पूछे उतना बताए, आप चले जाओ। नहीं नहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं भी जो है सो असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा फैन, तो मैं भी जो है सो वोट डाला तो मजलिस को डालता। तो आप लगा मेरे साथ एक नारा लगाइए, थोड़ा पीछे चलिए कैमरा मैन, आप लगा पूरे इधर आइए, आप लगा पूरे इधर आइए, इधर आइए आइए, इंग्लिश मैन फ्रॉम दिस साइड, वोट दो वोट दो पतंगो, वोट दो वोट दो पतंगो, अब्बा को बोलो पतंगो वोट दो, अम्मी को बोलो पतंगो वोट दो, दादा को बोलो पतंगो वोट दो, दादी को बोलो पतंगो वोट दो, अरे चाचा को बोलो पतंगो वोट दो, चाची को बोलो पतंगो वोट दो, अरे खाला को बोलो खींचा 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 खींचा, वोट दो वोट दो पतंगो वोट दो। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को हमारी गोल्डन हैदराबादी की न्यूज पसंद है तो हमारे चैनल गोल्डन हैदराबादी को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को जितना वायरल कर सकते हैं वायरल करिए। थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले ब्रेकिंग न्यूज के साथ। खुदा हाफिज़।